प्रेमी सज्जनों, अनेक शुभ कर्मों का फल मानव देह बताई गई है। इसे ही जीव के लिए प्रातःकाल यानी भोर का आगमन कहा है। यह समय व्यर्थ न बीत जाए, इसके लिए साधु संत, विद्वान, कवि, लेखक आदि परमार्थी पुरुष समय समय पर मनुष्य को चेताते रहते हैं, परामर्श देते रहते हैं कि उस परमेश्वर का चिंतन करो, भजन करो। आइए, किस प्रकार से आदरणीय गुरुदेव पंडित गुरु शरणदास जी ने कितने सुंदर शब्दों में मनुष्य को चेताते हुए ये भजन लिखा है और क्या बता दिया, आइए सुनते हैं महेश बैसोया एंड पार्टी के माध्यम से। रवि उदय हुआ सट जग जा, बेम्याद सो रहा अनजान गफलियत में बर्बाद हो रहा, अनजान गफलियत में बर्बाद हो रहा। रवि उदय हुआ सत जग जा, बेम्याद सो रहा अनजान गफलियत में बर्बाद हो रहा, महिष अज अज घर बन गया बार करोड़, सो लिया बतेरा नौ दस मास गर्भ में रह कर सोया पैर सको धारण प्राण नब मन बुद्धि अहंकार चित दिया है जिसने अन्न धन औषध देह का तुझसे कोई मूल्य उपहार नहीं लिया है जिसने
तुझे भेजा है इस ठोर लिख लिख रहा है। भीतर बाहर ऊपर नीचे दसों दिशा सब ओर तुझे देख रहा है। जे रज अंडज स्वेदज उद्भिज देखत सबे असीव नहीं निगाह से बचना।